हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने के वाले हैं कि हम एक केव हाउस बनाएंगे, मतलब एक केव में अपना हाउस बनाएंगे कि किसको पता ना लगे। देर आर हमारा यही आइडिया है। तो इसके लिए आपको ढूंढनी होगी एक केव, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक केव ढूंढी है और इस केव में देखिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है और मैं ऐसे वाइट ब्लॉक्स है वैसे लगा रहा हूँ और ये मैं फर्श बनाऊंगा इसका। ऐसे हमारा केव हाउस बनता रहेगा, मतलब इसका फर्श बनेगा क्योंकि हम पानी में तो रह नहीं सकते। पहले आपको केव हाउस बनाने के लिए आपको ज़रूरत है एक केव की। थोड़ी टॉर्च लगाइए यहाँ पर। तो दोस्तों आप ऐसे ब्लॉक लगा के आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉक जो है ये कितने ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम अंधेरे में हैं और अंधेरे में ऐसे होते हैं। आप चाहें तो थोड़ी टॉर्चेस लगा सकते हैं यहाँ पर ऐसे, और अगर यहाँ से हम इसकी एंट्रेंस बनाएंगे, मतलब दीवार बनाकर ऐसे करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। तो वाइट ब्लॉक्स लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास हमारा यहाँ पर हम बहुत बड़ा ड्राइंग रूम बनाएंगे और जो साथ के यहाँ पर हम खोद खोद कर बनाएंगे कुछ लाइट्स लगा दीजिए यहाँ पर बनाएंगे हम कुछ 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 मतलब हम यहाँ पर एक फोटोज बनाएंगे और फिर एक साइड बहुत बड़ा स्विमिंग पूल ऐसे बनाएंगे। और ये वाइट फर्श मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पानी के ऊपर चलने के लिए। देखिए अगर आप डिस्टेंस से लगाएं तो आप डूबेंगे नहीं पानी में, आपको इसमें बहुत वक्त लग जाएगा पूरा रिकवर करने में। इसलिए मैं आपको एक मैजिक कर देता हूँ और पॉज होकर ऐसे हो जाएगा। जवान टू थ्री मैच। दोस्तों मैंने इतना एरिया लेना था अपने इस ड्राइंग रूम के लिए तो मैंने इतना एरिया कवर कर लिया है। तो अब बारी है छत की। छत में आप लाइट ब्लॉक्स लगा सकते हैं। मैं तो लाइट ब्लॉक्स की छत ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे हमारे लाइट बहुत चाहिए क्योंकि केव में अंधेरे बहुत होते हैं और ऐसे हम अपनी ये बना लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही करते करते आपकी दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप लाइट ब्लॉक्स ऐसे तो आप लाइट ब्लॉक्स का डिज़ाइन बना लेंगे और आसपास फिर आप वाइट का लगाएंगे क्योंकि केव हाउस बहुत ही बड़े और मतलब केव हाउस बहुत ही मुश्किल से बनाने के लिए। तो ये देखिए इतनी केव हाउस मैं सुरंग में बना रहा हूँ और आपको मज़ा भी आएगा बनाते। ये हमारी बहन बोली, जो बोली अच्छा बोली, कहा है। तो ये जो चीज़ पत्थर है ये उससे बनते हैं, लावा जब सूख जाता है तो इससे बनते हैं। तो हम लाइट ब्लॉक्स की लगाएंगे क्योंकि केव में तो लाइट होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आप चाहे तो कोई भी पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइट तो इम्पोर्टेंट ही होती है। और ये जो भी बोला, और फिर अगर लाइट आप दूसरे पत्थर भी लगा सकते हैं अगर आपको लाइट चाहिए तो आप डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन समझते हैं मेरी बात। तो हमारी यहाँ पर तक हमारी लाइन होगी आखिरी, फिर आगे हम अपना दरवाजा ऐसे ही पत्थर का दरवाज़ा बना देंगे। आयरन डोर इस्तेमाल करेंगे एंट्रेंस दरवाजे के लिए क्योंकि आयरन डोर से पता नहीं लगता। और ये हो गई है हमारी छत तैयार। और
अब हमें चाहिए, तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये किसी की बाजू पड़ी थी यहाँ पर, ये देखिए। और ऐसे करते हैं दोस्तों, देखिए ऐसे आपकी दीवार तैयार हो जाएगी। और अब आप ऐसे देखते रहिए कि कोई डिज़ाइन में कम तो नहीं। अब आप यहाँ से तोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिज़ाइन है, यहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऐसे आपका डिजाइनिंग छत होगी, ऐसे आपकी डिजाइनिंग छत होगी दोस्तों तैयार। और फिर जहाँ से आपको डिजाइन्स करने हैं, मैं वहाँ से आपको ये पत्थर लगाकर बताऊँगा कि आपको कहाँ से क्यों कहाँ कैसे डिजाइन करने हैं। यहाँ पर एक पत्थर गिरा पड़ गया, चलो कुछ नहीं गिरा। अब आप ये डिजाइनिंग तैयार कर दीजिए, मैं ऐसे ऐसे इसको तोड़कर डिजाइनिंग तैयार कर दूंगा। ये इतना बड़ा पत्थर कैसे? ओह, तो मैं इतना ही रखना। और डिजाइनिंग पत्थर पे होते होते आपको पता ही लग जाएगा कि कैसे। और ऐसे आपकी छत दोस्तों जो है ना, जो भी आप उसे कहते हैं, वो तैयार हो। आप चाहे तो छत को डबल भी कर सकते हैं, मैं डबल कर रहा हूँ डिजाइन के लिए। आप तो चाहे कोई भी डिजाइन पा सकते हैं, पर मैं डबल करूंगा। जो पत्थर एक्स्ट्रा लगते हैं उन्हें छोड़ कर इन पर ध्यान दीजिए। और ऐसे आपकी छत रेडी हो गई है, देखिए कितनी डिजाइनिंग छत है हमारी। अब ये जो पत्थर हैं इन्हें तोड़ देंगे, क्योंकि तो अभी किसी काम के नहीं है। यहाँ पर हम टॉर्चेस लगाएंगे, ये तो लाइट के लिए हैं। और अब यहाँ पर हम टॉर्च लगाएंगे, टॉर्च। अगर आप सोच रहे हैं कि इन पत्थरों से भी लाइट आती है, तो आती है, ये एकदम सही है। अब आपके चारों ओर अंधेरा हो जाएगा। मैं पत्थर तोड़ू, अब आपको चाहिए होगी, अब आपको मतलब टॉर्च नहीं, एक इस्तेमाल करेंगे पत्थर। उसके लिए हमें वाइट ब्लॉक की ही ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरह वाला। इससे हम अपनी दीवारें बनाएंगे। दीवारों की लाइन आप एकदम ऐसे खींच दीजिए। दीवारों मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। आप दीवारों की लाइन ऐसे खींच, पहले दीवार को लाइन बना दीजिए। यहाँ पर हम बनाएंगे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल तो अलग कमरे में है। और यहाँ पर आपका थोड़ा अंधेरा होगा, उसे आप खुद कवर अप की करेंगे हम उसको। और फिर ऐसे करते हमारा एक और हम यहाँ पर एक टॉर्च लगाएंगे, और ऐसे हमारा टॉर्च लगाकर हमें पता लग जाएगा। हम ये ब्लॉक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमारी लाइन जो होगी, हम यहाँ से अपनी दीवार की लाइन खींच देंगे, ऊपर कर देंगे बड़ी। तो ऐसे ऐसे हम लाइन खींच देंगे। अब चाहे तो कोई भी ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं अपना घर वाइट बनाऊंगा, मुझे व्हाइट कलर अच्छे लगते हैं। मैं देखिए फर्श भी व्हाइट रखा है और छत भी। आप कोई भी
इस्तेमाल कर सकते हैं कलर, बट आई हैव ओनली दीस वॉक्स। तो अब आपके ये कवर हो जाएंगे। तो अब ये जो हमने जगह छोड़ी थी, यहाँ से हम अपना अगले का पैटर्न कवर करेंगे। हमने जो यहाँ पर जगह छोड़ी थी दोस्तों, वो हम ऐसे अब ऐसे कवर अप कर देंगे, वो गलती से छोड़ गई थी। और ऐसे जो ये लाइन है, ये लाइन के जो कनेक्शंस हो गए ना दोस्तों, वो हम यहाँ से तोड़ देंगे, क्योंकि इसलिए तोड़े हमने क्योंकि यहाँ पर भी कनेक्शन कम पड़ गया ना। अब आप फ्लाई मोड ऑन कर ऐसे बड़ी दीवार बना दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए, क्योंकि बड़े करने से इस टॉर्च को आप तोड़ दीजिए। टॉर्च हम तब बनाएंगे जब हमारा टॉर्च हम दीवार के उस ऐसे बनाएंगे। अभी टॉर्च हमें बनानी नहीं है क्योंकि टॉर्च अभी हम बनाएंगे नहीं, टॉर्च हम अब नहीं बनाएंगे, पहले हम दीवार बनाएंगे, क्योंकि दीवार बनाने से ही टॉर्च का काम पूरा होता है। और हमें यहाँ पर एक टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप टॉर्च लगा सकते हैं, अब मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगा दूँगा यहाँ पर भी, और जैसे आपकी मर्जी। और यहाँ पर एक और दीवार हम खड़ी कर देंगे ऐसे। फिर ये क्यों का आपको मंत्र भी पढ़ा लग जाए। और ये देखिए, यहाँ से फिर हम ऐसे ऐसे बड़ा कर देंगे इसको, आप कोई भी कलर से बड़ा कर सकते हैं। अब हम इस टॉर्च जो टॉर्च है ना, इस टॉर्च को तोड़ कर फिर लगाएंगे। मैं हम पहले इसको तोड़ेंगे। अब जो यहाँ पर हम अब टॉर्च लगा देंगे इस तरह, ये हमारा आइडिया है। जब तक मैं इसको पूरी कवर अप कर लेता हूँ, मैं पॉज करके इसको कवर अप कर लेता हूँ। तो देख लिए दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे पूरा तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर अब हम एंट्रेंस के लिए एक पत्थर ढूंढेंगे, मतलब जो पत्थर इससे मैच करता हो, किस तरह का पत्थर। ये पत्थर एकदम परफेक्ट, देखिए परफेक्ट है। तो अब मैं इस पत्थर से पूरी जगह को बंद कर दूंगा, बंद इसलिए क्योंकि पता न लगे। और आयरन डोर भी आप रख लीजिए, क्योंकि आयरन डोर की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। आयरन डोर में इस कांच की जगह के रख लूँगा अवली। और अब देखिए, ऐसे आप जगह को कवर अप कर सकते हैं। और किसी को पता नहीं लगा, चुपके चुपके हम ये घर बना लेंगे। पर दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो घर हम बना रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा जो चोरी चकारी करते हैं, मतलब जो स्मगलर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस तो उनके पीछे पड़ी होती है। और अगर वो पुलिस अगर उनके पीछे पड़ी है, और अगर वो ऐसे स्मगलर्स हो और पुलिस उनके पीछे पड़ी हो, और उन्हें केव मिल जाए ऐसे समंदर के बीच, तो वो अपना अड्डा लगाएंगे, और ये उनके लिए बहुत ही बेहतर आइडिया मिल गया उनको भी। पर उनके लिए करना बहुत मुश्किल होगा,
क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो केव हाउस के बनने के उपरांत आप इस जगह को भी मैं बंद कर देंगे, जो बाहर जो लाइट्स आ रही हैं उस लाइट्स को इसलिए बंद करेंगे ताकि उस लाइट्स का किसी को भी पता ना चले। और ऐसे केव हाउस तैयार होगा। आप पहले लाइट्स तोड़ दीजिए, लाइट तोड़ने में जल्दी आपको लाइट तोड़नी पड़ेगी, मतलब आधी आपकी लाइट्स की मेहनत बर्बाद जाएगी। इसमें जो टाइम वेस्ट की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर घर बनाना हो तो केव हाउस। अब आप इस लाइट्स को भी कवर अप कर दीजिए। और ये आपका ऐसे बन जाए। आयरन डोर हम दोस्तों इसलिए रख रहे हैं कि आयरन डोर से पता नहीं लगता, क्योंकि आयरन स्टोन्स में मिल खुल जाते हैं, ये तो मैं भी कहूँगा आयरन घुल मिल जाते हैं, इसलिए आयरन का पता नहीं लगता। आयरन डोर हम बीच में रखेंगे। स्टाइलिश डोर तो रखने का मेरा भी मन था, पर पता ना लगे तो आयरन डोर हम यहाँ पर लगा देंगे और ये ब्लॉक उसके ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा घर बन रहा है, हम यहाँ से बंद कर देंगे पूरा। और देखिए दोस्तों अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये किसका घर है। और देखिए हाँ बंद, मैं यहाँ से बुआ तो मैंने लगा भी दिया है। और अब पीछे होकर देखिए दोस्तों, क्या आपको लगता है यहाँ पर एक घर था? और अब देखिए यहाँ पर हम एक ऐसे ब्लॉक का तो जोड़े बना देंगे। लीवर होता तो बहुत ही अच्छा होता। चलो घर पर, घर के अंदर जाते हैं। और दोस्तों खिड़की नहीं बनानी, खिड़की नहीं बनाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा घर ऐसे कितना अच्छा लगता है और कितना बड़ा है। बेड बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है। और अब वहाँ पर हम टॉर्च की बारात कर देंगे, टॉर्चेस बहुत सारा लगाएंगे। दोस्तों एक प्रॉब्लम है, हम क्या काम करेंगे, जब हमने वाइट फ्लॉक्स लगाए थे ना दोस्तों, वो हम पूरी तरह पूरी जगह पर कवर करने हैं। मैं आपको पूरी जगह पर कवर करने होंगे, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं लगेगा है ना ऐसे, कि डिज़ाइन अच्छे नहीं है। गंदी कर दो। और देखिए दोस्तों मैंने पूरा यहाँ पर कवर कर दिया है। और आपको सीमेंट की दीवार दिखेगी, मैं सीमेंट की दीवार पर पिंक कलर करूँगा, येलो कलर्स लगाऊंगा, पिंक बना है हमें। और अब सीमेंट की दीवार को फिर जोड़ देंगे। बाहर से तो ये सीमेंट ही रहेगा, अंदर से दोस्तों हम इसको, और जो हमने यहाँ पर दोस्तों तोड़ा है उसे जोड़ देंगे। दोस्तों बाहर से सीमेंट ही रहेगा, अंदर से हम इसे येलो कलर करेंगे। अब आप येलो कलर चूज कीजिए। देखिए यहाँ पर एक येलो कलर रहेगा, ये देखिए यहाँ पर येलो कलर्स आ गए हैं बहुत सारे। ये येलो लेंगे, तो देखिए दोस्तों हमने ऑरेंज कलर चूज कर लिया है, ऑरेंज लगाना शुरू करेंगे।
आप चाहे तो अपना मनपसंद रंग कोई भी लगा सकते हैं, पर मेरी सलाह ऑरेंज है। मैंने इसलिए पॉज किया था, ऑरेंज मैंने इसलिए पॉज किया था क्योंकि मैं डिसाइड कर रहा था, और डिसाइड करते करते मुझे आधा घंटा लग गया। और अब डिसाइड जब आपने कर ही लिया है, आप इतना टाइम मत लगाइए जितना मैं लगाया, मैंने आधा घंटा लगा दिया। तो आप अब ऑरेंज ब्लॉक्स लगा दीजिए, फिर हम यहाँ पर एक लाइट का लगाएंगे। बेडरूम का हम जो बेडरूम बनाएंगे दोस्तों, वो बेडरूम हम यार ये ब्लॉक क्यों नहीं लग रहा है, तो बेडरूम हम इस तरफ बनाएंगे, और वॉशरूम बड़ा सा स्विमिंग पूल हम इस तरफ लगाएंगे। दरवाजे की जगह आप छोड़ दीजिए क्योंकि दरवाजे पर ब्लॉक लग गया तो दरवाजा नहीं दिखेगा। हम दरवाजे पर भी यहाँ टॉर्च एक लगाएंगे। ये दोस्तों जो टॉर्च होती है ना, वो अंधेरे को हटाकर उजाला करती वो तो सभी को पता है। है। यस। ये कौन बोला? मैं बोली किसकी बहन? चलो अच्छा, अब सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी बहन क्यों साथ में रखी हुई है। इसलिए रखी हुई है क्योंकि जो डायलॉग्स होते हैं ना आधे ही मारती है, मैंने इसको सिखाया हुआ है। हाँ जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक तोड़ कर क्या करूँगा, एक ऑरेंज ब्लॉक लगाऊंगा, फिर यार ग्रे ब्लॉक लगाऊंगा। ग्रे ब्लॉक हमें ढूंढना होगा, काम मर गया। यस, ड्राइंग रूम हम सामने की ओर बनाएंगे। यस, और ऐसे ही हमने लगा दी है। और टॉर्च जो है हम यहाँ लगाएंगे। अब हम यहाँ से तोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ऑरेंज ब्लॉक्स लगाने होंगे, क्योंकि इससे आपका डिज़ाइन होता है ना दोस्तों बन जाता है। अब हम ले मैं ऑरेंज ब्लॉक लाऊंगा। ऑरेंज ब्लॉक अब हम आयरन डोर की जगह पर रखेंगे। ऑरेंज ब्लॉक लगाए, फिर अभी ये ब्लॉक यहाँ पर लगाएंगे। और ये तैयार। और जो यहाँ पर अब हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एक ड्राइंग रूम बनाएंगे। ड्राइंग रूम के लिए हमें सोफ़ास की ज़रूरत है। सोफ़े में हम कलर लेंगे, रेड कलर लेंगे सोफ़ेस में। और ये रेड कलर सोफ़ास का हम यहाँ पर एक सोफा लगाएंगे। और यहाँ पर भी एक सोफा, तो ऐसे हमारे सोफेज लग जाएंगे। और यहाँ पर भी एक सोफा लगाएंगे जिससे बंदे बैठ सकें। और यहाँ पर तोड़कर सोफा लगाएंगे। ये सोफा हमने जो लगाया है यहाँ पर डो के लिए लगाए हैं कि बंदा टो ला सके। और अब हम लेंगे टेबल। टेबल के लिए हम कलर लेंगे वाइट। टेबल डिजाइनिंग इस तरह का लेंगे।
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये हमारा टेबल हो गया रेडी। और अब हम फ्लावर्स लेंगे। फ्लावर्स में हम लेंगे ये रेड रोज, जो मेरे फेवरेट रोज है। ये फ्लावर रखेंगे हम यहाँ, तो अच्छा लग रहा तभी अच्छा। तो ओ रेडी, मुझे पता लग गया, फ्लावर्स हम रखेंगे यहाँ, यहाँ, और दो फ्लावर्स हमने लगा दिए हैं यहाँ और अब हमने फ्लावर्स का भी इंतज़ाम कर दिया है। तो अब हम लेंगे बहुत अच्छा सा डोर, डिज़ाइनिंग डोर जैसे कि। अब हम बेडरूम का दरवाज़ा यहाँ बनाएंगे। और एक डोर लगा दीजिए। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे कर कर लगा दीजिए ब्लॉक्स। अभी बड़ा करना है, पहले बड़े करने से पहले आप बेड रख लीजिए अपने पास, ये बेड की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी। और इस फेंस की जगह मैं ये बेड रखूँगा और वहाँ पर तोड़ फोड़ करूँगा। बेडरूम बहुत बड़ा बनाएंगे और जैसे आप तोड़ फोड़ करेंगे तो आपको ये पत्थर नज़र आएंगे। आप ये तोड़ फोड़ के बाद दोस्तों, और अभी मैंने ये कर लिया है, सिखाएंगे। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये टीवी बना दिया है ब्लैक ब्लैक, और ये मैंने यहाँ पर बेड, डबल बेड बनाया है। तो अब यहाँ पर मैं लाइट ब्लॉक्स लगाऊंगा। लाइट ब्लॉक्स इसलिए हम लगाएंगे कि जिससे रोशनी आएगी कमरे में। और अब रोशनी तो पहले से ही, कोई बात नहीं। और अब ये लाइट ब्लॉक्स जब तैयार हो जाते हैं, और ये हमारा बेडरूम रेडी। और ये देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये यहाँ पर एक ब्लॉक तोड़ देंगे। लाइट जा रही है, कोई बात नहीं, हम लाइट का इंतजाम कर लेंगे। और अब यहाँ पर एक लाइट लगा देंगे। और ये देखिए हमारा बेडरूम अच्छे रेडी। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे अपना स्विमिंग पूल। और दोस्तों आप देखिए हमने यहाँ पर स्विमिंग पूल का कमरा बना लिया है। इसके लिए मैं हमें थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, स्विमिंग पूल खुला होना चाहिए। आप ऐसे बना लीजिए। ओ ओ तो खुल गया। तोड़ ब्लॉक, तोड़ ब्लॉक बेटा ब्लॉक। फिर आप ब्लॉक तोड़ देंगे और फिर ऐसे हो जाएगा। स्विमिंग पूल और बड़ा बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा खत्म हो रहा है फर्श डाल, पहले हम फर्श डालेंगे। ऐसे हम फर्श डाल लेंगे। स्विमिंग पूल बहुत बड़ा बनेगा। ऐसे हम
बड़ा बेहतरीन स्विमिंग पूल होगा। आप ये पत्थर ऐसे तोड़ दीजिए क्योंकि हम इन पत्थरों का दोस्तों वो बना देंगे, क्या कहते हैं, दीवार। इससे हम दीवार बना देंगे इसकी। ऐसे आप ऐसे आपकी दीवार बन जाएगी। देखिए ऐसे आपका स्विमिंग पूल रेडी होने होगा। और अब छत तो लाइट ब्लॉक्स की होगी। आप जितनी बड़ी छत बनाना चाहें बना सकते हैं, मैं इतनी बड़ी छत बनाऊंगा। और लाइट ब्लॉक्स लगा दीजिए और ये आपकी अच्छी छत रेडी हो जाएगी। आपको बनानी होगी दोस्तों दीवार इधर की। आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा बनेगा, पर ये बहुत बड़ा बनेगा देखा जाए तो। अब आप उस तरफ को कृपान लेकर बढ़ाते जाएं क्योंकि कृपान से जल्दी होता है। ऐसे स्विमिंग पूल रेडी होगा। अब स्विमिंग पूल की नीचाओ का फर्श डाल दीजिए। हम यहाँ पर अब देखिए दोस्तों हमारा कितना अच्छा बन रहा है। यहाँ पर हम अपना पानी डाल देंगे और ये हमारा बनेगा स्विमिंग पूल। के लिए हम कांच के ब्लॉक यूज करेंगे। कांच के ब्लॉक, अब मैं ये ब्लॉक नहीं यूज करूँगा, ये ब्लॉक यूज करूँगा इस तरह वाला। ये ब्लॉक यूज और ये दोस्तों पानी तो आ गया। पानी आया कहाँ से? वो और ऐसे आपका स्विमिंग पूल रेडी हो गया। ये पानी समुंदर का दोस्तों आ गया था। वैसे गहरे कर देंगे हम लोग। ख्याल से यहाँ से आया है। ओ दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ से खुल गया है। अच्छा यहाँ से आया ये पानी सारा। अब पता चला मुझे कि दोस्तों पानी कहाँ से आया। अब यहाँ पर भी तोड़ दीजिए। अब जो यहाँ पर चीज़ें होगी आप ऐसे ऐसे तोड़ दीजिए क्योंकि हम यहाँ की छत बनाएंगे। देखिए दोस्तों छत बनेगी मतलब दीवार। स्विमिंग पूल बहुत ही बड़ा बनेगा हमारा। और हमारा घर स्विमिंग पूल के बाद हमारा
स्विमिंग पूल हमारा आखिरी कंस्ट्रक्शन होगा, फिर हमारा घर खत्म हो जाएगा। और ये देखिए जैसे खुल गया दरवाजा, अब टेंशन मत लीजिए कि यहाँ बहुत अंधेरा होगा, हम उजाला करेंगे। अब ये ब्लॉक्स दीवार के साइड्स पर दीवार को तोड़कर ऐसे आप लगाएंगे, और यहाँ पर फिर हम पानी, ये बिल्ली की आवाज, ये हमारे बिल्ली रखी है ना, बहुत क्यूट है, मेरे बोलने से पहले ही बोलूंगी। अब ऐसे ही करके ही अब जो हमने यहाँ पर बनाया था दोस्तों, अब यहाँ पर हम तोड़ देंगे। मैं तोड़ रहा हूँ क्योंकि बड़ा बनाने के लिए, और वहाँ पर पानी भी है। यार ये पानी, ये पानी दोस्तों बंद हो गया। अब यहाँ पर अंधेरा होगा दोस्तों, अंधेरा बहुत ही बढ़ रहा है और अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए हम लाइट ब्लॉक की दीवार बनाना शुरू कर देंगे। यार हरगुन को, इस बिल्ली को भगाओ। और अब हम लाइट लगाएंगे जिससे उजाला होगा घर में, इस तरह। हो गया ना दोस्तों उजाला, से कहा था कि उजाला करके रहूंगा, और उजाला। और इस उजाले के बाद, और अब यहाँ पर और अब हम यहाँ से तोड़ेंगे ये वॉल्स को। अवॉइड कीजिए यार, मैं भी इसको बहुत कम करने की कोशिश करता हूँ उस बिल्ली को, और ये बिल्ली हटती नहीं है, बिल्ली की बच्ची, ऐसे बिल्ली की बच्ची है ये, बिल्ली का बच्चा है ये। तो यार हम ऊपर कैसे जाएंगे, अजीब इंसान हूँ यार। अब और अब दीवार का काम शुरू करते हैं। पानी डालने के लिए हम थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। समुंदर का पानी बार बार इसमें आया है और गया भी है। उसे तोड़कर अब यहाँ से ऐसे तोड़ देंगे और फिर दीवार का काम शुरू कर देंगे।
दीवार का काम ऐसे हमारा होगा, दीवार बना दे रहा हूँ चुटकी में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसे हो गया, तो अब हम पानी लेंगे कुछ। आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियो बहुत ही बड़ी है, पहले मैं ये बाल्टी इस पत्थर ब्लॉक के बदले रखूँगा और ये पानी की बाल्टी यही रहेगी। और पानी डाल दिया हमने, पानी बढ़ता है और पानी का हो गया है ठीक। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर कुछ ब्लॉक लगाने रहेंगे और हमारा हो गया है। ये पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया? ओहो, हमने तोड़ कर जो नया बनाने से वजह से पानी चला जा गया। और अब इस के बदले में मैं इसको कुल्हाड़ी के बदले में रखूँगा और ये हमारा वॉशरूम भी रेडी, मतलब जो भी से कहते हैं, और बेडरूम और दोस्तों इसके साथ हम बाहर चल कर देते हैं। अब हम बाहर जाने का रास्ता भी बनाएंगे। और देखिए दोस्तों हमारा घर, फैंटास्टिक हो गया है। अब हम अपने घर को ऊपर के रास्ते से तोड़ देंगे, यहाँ से अब हम खोदना कुल्हाड़ी से शुरू कर देंगे। यहाँ से हम लगता है अब वहीं से ही दोस्तों शुरू करेंगे। रात हो रही है, अभी हमें घर में जाना होगा और यहीं से बाय।